Hello children, in this video we will do a Python program to find largest number in a list. Okay, lists mein se largest number find karenge hum program bana ke. Okay, or you can say aap maximum value find karoge list mein se. Okay, so here we have three methods. Hamare paas three methods hai. First is very easy method, sort the list in ascending order and print the last element in the list. क्या करना है आपको, लिस्ट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू. ओके, तो क्या होगा, जो आपकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी. ओके, तो आपने क्या किया, पहले अपने लिस्ट को शॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू थी, जो लार्जेस्ट वैल्यू थी, उसको प्रिंट करा दिया. सो दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड. ओके, सो हियर यू हैव योर लिस्ट, लिस्ट वन. ओके, 5, 10 हमने इसमें वैल्यूज दिए हैं, 5, 10, 30, 20, 25, 40. आप कोई भी लिस्ट ले सकते हो एंड आपने उसको प्रिंट करा दिया. नेक्स्ट कमांड इज टू प्रिंट द लिस्ट, लिस्ट इज लिस्ट वन. सिंपली आपके प्रिंट होके आगे लिस्ट इज लिस्ट वन. फाइन, देन आपने नेक्स्ट आपकी कमांड किया लिस्ट वन डॉट शॉर्ट. अब आपने क्या किया, इसको शॉर्ट करा दिया असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, तो अभी अरेंज हो जाएगी फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू. बाय डिफॉल्ट शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है लिस्ट के वैल्यूज को. राइट, तो अब देखो यहाँ पे अब शॉर्ट हो चुकी है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, 5, 10, 25, 30 एंड 40. अब यहाँ पे देखो 40 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है और यू कैन से द मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, अब नेक्स्ट कमांड आपने दिए प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट इज लिस्ट वन. तो ये हमारी यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट प्रिंट होके आ गई. देन सिंपली आपने क्या किया है, प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट इज लिस्ट वन माइनस वन. ओके, तो आपने बैकवर्ड इंडेक्सिंग की. जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करोगे तो 40 का क्या है, इंडेक्स वैल्यू माइनस वन. ओके, या फिर आप अगर फॉरवर्ड करते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे लिस्ट वन. अब यहाँ पे इसकी क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 4. ओके, तो आप लिस्ट वन और इंडेक्स वैल्यू 4 भी दे सकते थे. ओके, और यहाँ पे हमने माइनस वन दी है, माइनस वन पे आपका 40 है. आपको ये आप ऑलरेडी जानते हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया कैसे करते हैं हम इंडेक्सिंग. राइट, फिर भी एक बार बता देती हूँ, आप अगर फॉरवर्ड कर रहे हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, और अगर आप बैकवर्ड कर रहे हो, पीछे से इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो आपका 40 का क्या होगा, माइनस वन. देन 30 का आपका होगा माइनस टू. ओके, 25 का आपका क्या होगा, माइनस थ्री. देन 10 का आपका क्या होगा, माइनस फोर. एंड 5 का क्या होगा आपका, माइनस 5. राइट, ओके, तो यहां पे हमने सिंपली लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट करा दिया लिस्ट वन इंडेक्स वैल्यू 1. फाइन, दिस इज वेरी वेरी इजी मेथड. नाउ द सेकेंड मेथड इज यूजिंग मैक्स फंक्शन. मैक्स फंक्शन का यूज करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे लिस्ट में से. राइट, अब आपकी लिस्ट वन है, ये आपकी दिस इज योर लिस्ट वन. आपने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट लिस्ट वन इज लिस्ट वन. ये आपकी लिस्ट वन प्रिंट होके आ गई. फाइन, अब सिंपली आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है लार्जेस्ट एलिमेंट इज मैक्स लिस्ट वन. मैक्स फंक्शन में आपने लिस्ट वन को पास कर दिया, तो जब आप मैक्स फंक्शन के अंदर लिस्ट वन को पास करोगे तो मैक्स फंक्शन की हेल्प क्या करता है, मैक्स फंक्शन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, इसको वो प्रिंट करा देगा. ठीक है, वो ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, 40. तो यहाँ पे आपका क्या आंसर है, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 40. ओके, सो दिस इज वेरी इजी. बाय यूजिंग द मैक्स फंक्शन वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इन अ लिस्ट. ओके, नाउ द थर्ड मेथड इज फाइंड मैक्स लिस्ट एलिमेंट ऑन इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर. अब क्या करना है, हमें लिस्ट के एलिमेंट यूजर से इनपुट कराने. ओके, और उन जो भी आप एलिमेंट्स इनपुट करोगे उसके अंदर से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे. राइट, तो सबसे पहले आपने लिस्ट को एंटर कराना है, तो आपने क्या लिया, लिस्ट इक्वल टू eval इनपुट एंटर लिस्ट. फाइन, अब इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा एंटर लिस्ट. राइट, एंड वी विल एंटर द वैल्यूज 20, 30, 40. यहाँ पे हमने वैल्यूज एंटर कर दी. अब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ ईवेल फंक्शन. ईवेल फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज फॉर द ईवेल्यूएशन. राइट, इवेल्युएशन का क्या मतलब है, जब मान लो हमने इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कराई, तो जो ईवेल फंक्शन है, क्या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनपुट जो भी लेता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है.
फाइन, ये अगर हम इनपुट सिंपली इनपुट करा देंगे तो ये क्या होगा, 20, 30, 40 हमारी एज अ स्ट्रिंग वैल्यू एंटर होंगी, फाइन, क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज को एंटर एज अ स्ट्रिंग वैल्यूज लेता है, जो भी वैल्यूज आप लोगे उस दोगे उसको तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, राइट ओके. अब इवल फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने डेटा टाइप यूज किया है, अगर इंटीजर वैल्यूज यूज किए हैं तो इवल उसको इवेल्युएट करके इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपने फ्लोट वैल्यूज लिए हैं तो इवल फंक्शन उसको फ्लोट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, फाइन. तो यहाँ पे हमारा इवल फंक्शन का क्या यूज है, अगर आपने इंटीजर वैल्यूज एंटर किए हैं तो उनको स्ट्रिंग जो इनपुट फंक्शन है एज अ स्ट्रिंग ली थी वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, अगर आप फ्लोट वैल्यू एंटर करते हो तो उसको इवल फंक्शन क्या करेगा, फ्रॉम स्ट्रिंग इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लोट वैल्यूज, फाइन ओके. तो हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन से हमने वैल्यूज एंटर कराई जो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर हुई थी, लेकिन इविल फंक्शन की हेल्प से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, फाइन. अब हमने क्या किया, लिस्ट की लेंथ निकाली, ओके. वो हमने उसके लिए आपने क्या यूज किया, लेन फंक्शन यूज किया, लेन फंक्शन के अंदर लिस्ट को पास किया, लेंथ आ गई उसको, और जो भी लेंथ आई वो हमने लेंथ वेरिएबल में स्टोर करा लिया, चाहे 4i 4 5i जो भी लेंथ आई हमने लेंथ वेरिएबल में स्टोर करा लिया. अब आपने एक वेरिएबल लिया मैक्स एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट इक्वल टू लिस्ट 0 इंडेक्स. अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि हमने क्या मान लिया कि लिस्ट के 0 इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे ऑल्दो 20 है बट हमने ये एज्यूम किया है कि लिस्ट के 0 इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें चाहिए, ओके. और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर करा दी, हमने मैक्स एलिमेंट के अंदर स्टोर करा दी, ओके. देन हमने क्या किया, मैक्स इंडेक्स एक और वेरिएबल लिया मैक्स इंडेक्स, और मैक्स इंडेक्स क्या मान लिया 0, मतलब 0 जो हमारा इंडेक्स है वो मैक्सिमम मैक्स इंडेक्स है जिसकी जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, लार्जेस्ट वैल्यू है, ओके. अब देखो अभी हम क्या करना है, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, वन बाय वन सबके पास जाके चेक करना है कि कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू है, फाइन. अब हमने तो एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वही लार्जेस्ट है, ओके. अब ट्रेवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, फोर लूप चलाओगे, फोर आई इन रेंज 1 टिल लेंथ, ओके. अब देखो हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया, हमने 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 0 तो हम मान चुके हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या है, हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है. अभी कहाँ से चलेगा, 1 इंडेक्स से चलेगा, राइट, 1 से चलेगा मीन्स 30 से चलेगा, फाइन. 30 से चलेगा कहाँ तक, लेंथ तक, ओके. अब लेंथ इसकी 5 है या 6 है जो भी है, राइट, ये वहां तक लेंथ तक चलेगा, और लेंथ माइनस 1 अगर 5 है लेंथ माइनस 1 हो जाएगा, फाइन ओके. अब देखो अब हमने क्या किया, आई लेगा जो आई 1 सबसे पहले 1 लेगा 1 इंडेक्स वैल्यू, फिर ये जाएगा इस नीचे कंट्रोल इसका जाएगा नेक्स्ट कमांड पर, इफ लिस्ट आई, अब आई में क्या है 1 ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट क्या है 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, मैक्स एलिमेंट में क्या है 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, लिस्ट 0 का एलिमेंट है, ओके. तो ये क्या कह रहा है, अगर लिस्ट 1 में 1 इंडेक्स वैल्यू पे 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा वैल्यू है, बड़ा एलिमेंट है, तो क्या हो जाए, मैक्स एलिमेंट में अब क्या चला जाए, लिस्ट आई की वैल्यू चली जाए, फाइन. समझ आया, इसको ध्यान से समझो क्या ये कह रहा है, मैक्स एलिमेंट में हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसको हमने उसमें डाल दिया था, मैक्स एलिमेंट में अभी हमारी 0 इंडेक्स की वैल्यू है. अगर हमने यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ लिस्ट आई, अब लिस्ट आई में क्या है 1 वाली वैल्यू है मीन्स 30 है, ओके. आप यहाँ से देख के चल सकते हो, अगर ये वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, 20 से बड़ी है, मान लो 20 से बड़ी है, तो मैक्स एलिमेंट इस वेरिएबल के अंदर क्या चला जाए, लिस्ट आई, मतलब लिस्ट 1 का एलिमेंट चला जाए, लिस्ट 1 का एलिमेंट चला जाए, ओके. तो यहाँ पे 30 चला जाएगा, 20 हट जाएगा और 30 चला जाएगा, फाइन. और जो मैक्स इंडेक्स है उसमें किसकी वैल्यू चली जाए, आई चली जाए, ओके, मतलब 1 चला जाए, ओके. तो अब ये 1 इंडेक्स पे चला गया, अभी 2 इंडेक्स पे जाएगा आपका, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर कंट्रोल फोर लूप पे जाएगा, अब आई कौन सी इंडेक्स वैल्यू लेगा, 2 इंडेक्स वैल्यू, 2 इंडेक्स वैल्यू पे 40 है आपका, ठीक है. अब 2 इंडेक्स वैल्यू के बाद फिर से ही कंपैरिजन होगा, क्या लिस्ट आई इज ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट,
मतलब जो टू इंडेक्स पे वैल्यू है 40 है, वो क्या 30 से बड़ी है? ओके, क्योंकि अब इसमें 30 है, और अगर यस है, ये ट्रू है, तो क्या होगा? अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, मैक्स एलिमेंट के अंदर किसकी चली जाएगी, लिस्ट आई, मतलब लिस्ट टू। अभी टू इंडेक्स की वैल्यू ना इसके पास 40, तो इस मैक्स एलिमेंट में क्या चले जाएगा, 40। फाइन, मैक्स एलिमेंट में चले जाएगा 40। ओके, और मैक्स इंडेक्स क्या बन जाएगा, टू, राइट। ओके, अब क्या करेगा, अगेन आपका कंट्रोल फोर लूप के पास जाएगा। अब आई क्या कंटेन करेगा, थर्ड थर्ड आपका इंडेक्स वैल्यू 3 कंटेन करेगा, फिर से वो जज करेगा। इफ आई 3 इज ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट, मतलब इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है, अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ी है, तो क्या हो जाए, मैक्सिमम एलिमेंट में चला जाए लिस्ट 3, मतलब इंडेक्स वैल्यू 3 की वैल्यू, तो मैक्स एलिमेंट में फिर क्या चला जाएगा, 50। फाइन, और यहाँ पे मैक्स इंडेक्स क्या बन जाएगा, 3। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, अब आई के अंदर क्या आएगा, 4, 4 इंडेक्स वैल्यू जाएगी। फाइन, 4 इंडेक्स वैल्यू जाएगी। अब देखो यहाँ पे लेंथ हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 4, तो लेंथ के अंदर कितनी वैल्यू जाएगी, 4। मतलब लेंथ जो हमारी है, आपको हमेशा ही पता है रेंज फंक्शन में एंडिंग वैल्यू ऑलवेज -1, ठीक है, तो ये कहाँ तक चलेगा, 4 इंडेक्स वैल्यू तक ही चलेगा। ओके, अब ये 4 इंडेक्स जो लिस्ट 4 इंडेक्स वैल्यू है इसके पास, लिस्ट 4 इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट, अगर ये मैक्स एलिमेंट है उससे बड़ा है, ठीक है, 50 से बड़ा है, ये वाला लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, तो क्या होगा, लिस्ट मैक्स एलिमेंट में क्या होगा, लिस्ट के फोर्थ इंडेक्स वाली वैल्यू चली जाएगी, और इसका मैक्स इंडेक्स क्या बन जाएगा, लिस्ट का जो फोर्थ इंडेक्स है, ठीक है। तो अब क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। ओके, फिर हमने क्या किया, उस एलिमेंट को कंपेयर करवाया फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट से, देन सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से, देन थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट से, देन फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट से, राइट। अगर इनमें से कोई वैल्यू है तो उसके अंदर वो वैल्यू चली जाएगी, राइट। और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू उससे बड़ी नहीं है, तो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ही है जो आपने एज्यूम किया था। फाइन, इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। फिर आपने क्या कर दिया, प्रिंट गिवन लिस्ट इज लिस्ट, आपके लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, गिवन लिस्ट इज लिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज मैक्स एलिमेंट एट इंडेक्स मैक्स इंडेक्स, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मैक्स एलिमेंट, क्योंकि अभी मैक्स एलिमेंट में क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है जो कौन से इंडेक्स पर है, मैक्स इंडेक्स पर है। ओके, तो यहाँ पे आपके देखो ये रिजल्ट आ गया, द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज 60। ओके, 60 एट इंडेक्स 4। फाइन, अभी हमने इसको यहाँ पे समझा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको आइडल पे भी करके देखते हैं तीनों मेथड्स को, राइट। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड अपना सिंपल मेथड करते हैं। हमने लिया लिस्ट 1 इज इक्वल टू, आपने अपनी लिस्ट ले ली 5 10 30, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो आप उसके अंदर, 25 एंड 40। ओके, दिस इज योर लिस्ट 1। ओके, नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया अपनी लिस्ट को, लिस्ट इज लिस्ट 1। फाइन, अब आपने क्या किया, सिंपली अपनी लिस्ट को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर दोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट फंक्शन। फाइन, एंड देन प्रिंट इट, प्रिंट शॉर्टेड लिस्ट इज 1, देन प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट, ये वैल्यू लिस्ट 1, और हमने क्या बना दिया, लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, राइट।
ओके अब हम इसको सेव कर देंगे, जैसे मैंने आपको इसका दे दिया लिस्ट 7, सेव, देन प्रेस F5, फाइन। तो अब देखो आपका आ गया लिस्ट इज 5, 10, 30, 25, 40, और जब आपने शॉर्ट फंक्शन यूज किया तो ये शॉर्ट होके आ गए 5, 10, 25, 30, 40, और लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 40, फाइन। ओके अब हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, राइट। सेकंड मेथड अपना सिंपल, पहले हमने ले लिया लिस्ट, लिस्ट 1, कोई भी लिस्ट ले लो, ओके 1, देन 10, 30, 24, 50, ओके ये हमने लिस्ट ले ली है, राइट। प्रिंट, लिस्ट इज List 1, ओके एंड देन प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट इज मैक्स List 1, फाइन। तो आपने इस प्रोग्राम में क्या किया, List 1 दे दी 5, 1, 10, 30, 24, ओके प्रिंट करा दिया लिस्ट को, और आपने क्या किया सिंपली मैक्स फंक्शन के अंदर List 1 को पास कर दिया, ओके तो हम अब इसका रिजल्ट देखते हैं। F5, सी लिस्ट इज 5, 1, 10, ये आपकी लिस्ट आ गई, और लार्जेस्ट एलिमेंट इज 50, फाइन। आपका लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 50 है, जो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 50, ओके। Now we will do the next method. Okay. अब आपको क्या करना है, यूजर से लिस्ट एंटर करानी है, एवल इनपुट एंटर लिस्ट, फाइन लेंथ निकाल लो, लेंथ लिस्ट, फाइन हमने लिस्ट की लेंथ निकाल दी, देन आपका आ गया मैक्स एलिमेंट, आपने क्या एज्यूम किया लिस्ट के 0 इंडेक्स पर, ओके ये मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। अभी हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देन मैक्स इंडेक्स इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करोगे आप, फोर लूप लगाओगे, फोर आई इन रेंज रेंज 1 से चलाएंगे, क्योंकि 0 पे हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है लेंथ, लेंथ फाइन। If list I is greater than max element, तो क्या हो, max element में चला जाए, list element में चला जाए list I की value, fine, और max इंडेक्स में क्या हो जाए आई, ओके okay. हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट 0 लिस्ट इज लिस्ट, ओके देन प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट
गिवन लिस्ट इज प्रिंट मैक्स एलिमेंट ओके एट इंडेक्स मैक्स इंडेक्स ओके अब देखो आप अब क्या करोगे आप यहाँ पे हम लिस्ट एंटर करेंगे फाइन कोई भी आप लिस्ट एंटर कर दो 4, 10, 5, 20, 30 एंड देन 40 राइट प्रेस एंटर अब देखो गिवन लिस्ट इज 4, 10, 5, 20, 30 एंड 40 ओके द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज 40 एट इंडेक्स 5 अब यहाँ पे इसने बता दिया कि आपका लार्जेस्ट एलिमेंट 40 है कौन से इंडेक्स पर इंडेक्स 5 पर फाइन ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में हमने फाइंड आउट किया लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट ओके अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट ओके बाय